पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान मोहम्मद शाहिद का लंबी बीमारी के बाद गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो 56 साल के थे। मोहम्मद शाहिद लगातार 3 ओलंपिक 1980, 1984 और 1988 की भारतीय टीम के सदस्य थे। वो पिछले कुछ समय से लीवर और किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान को उनके शानदार खेल प्रदर्शन के आधार पर पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। मॉस्को ओलंपिक 1980 में आखिरी बार गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे मोहम्मद शाहिद बनारस के मूल निवासी थे। पिछले महीने पेट दर्द के कारण शाहिद को BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में रेफर किया गया। के बाद मोहम्मद शाहिद हमारे हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। मैं उनके स्वास्थ्य के पूछने के लिए मेदांता हॉस्पिटल गया था। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पूरी मेडिकल एड उनको दी थी, पर ईश्वर खुदा की मर्जी थी कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीत चुके केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मोहम्मद शाहिद के असामयिक निधन पर अफसोस जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपने संदेश में कहा, भारत ने एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी खो दिया है। हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ना तो हमारी मदद और ना ही हमारी प्रार्थनाएं उन्हें बचाने के लिए काफी थी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें कि मोहम्मद शाहिद की मौत के बाद खेल जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई शाहिद की मौत को एक बड़ी क्षति बता रहा है।